हेलो अगेन दोस्तों, मेरा नाम कल्याण। आज मैं बात करूंगा मेडिकल फर्स्ट एड, जो एकदम छुटकू सा चैप्टर है फंक्शन थ्री में, लेकिन उसके लिए हम लोग एक हफ्ता दो हफ्ता लगा देते हैं क्वेश्चन ढूंढने में, फिर क्वेश्चन बनाने में, फिर सिवरल जो MMD इंस्टीट्यूट, जो MMD का यह है सर्वेयर का क्वेश्चन स्पेशल है MFA के बारे में, वो प्रिपेयर करने में। आज मैं 8 या 9 ऐसा सवाल जो क्वेश्चन है सारा MMD से कलेक्ट किया हुआ और मेरा आंसर प्रिपेयर किया हुआ आपसे शेयर करूंगा, जो आप 2-3 दिन पहले देख लो एग्जाम डेट का, 2-3 दिन पहले एक बार देख लो मेडिकल फर्स्ट एड एकदम, मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 8-9 क्वेश्चन तो आपको याद आ ही जाएगा। 80% चांस है कि इसी जो 8-9 क्वेश्चन में से पूछेगा, बाकी 20% बाई लाख डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे जम्प करते हैं। ओके, सो मैं ये वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा, 20 20 मिनट का, जो आपको मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि एक ही दिन में हो जाएगा। मैं यही हिसाब से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था। बर्न, ड्राउनिंग, हेड इंजरी और हार्ट अटैक के बारे में, ठीक है, बर्न पे चलते हैं। ओके, बार्न पे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। आपको मालूम कैसे चलेगा कि फर्स्ट डिग्री बार्न है या सेकेंड डिग्री बार्न है या फिर थर्ड डिग्री बार्न है? ठीक है, फर्स्ट डिग्री बार्न, व्हेन एवर एपिडर्मिस इज इन्वॉल्व्ड, रेडनेस एंड पेन। सेकेंड डिग्री बार्न, एपिडर्मिस और डर्मिस इज इन्वॉल्व्ड, ब्लिस्टर्स एंड स्वेलिंग। ब्लिस्टर्स क्या होता है? सपोज आपके हाथ में गर्म पानी गिर गया हो तो वो जो व्हाइट कलर का जो फ्लूइड जमा हो जाता है उसको कहते हैं ब्लिस्टर्स, वो सेकेंड डिग्री बर्न पे होता है। थर्ड डिग्री बर्न, ये बहुत सीवियर क्रिटिकल कंडीशन होता है, नो पेन बिकॉज नर्व्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अभी ये तीनों का अलग अलग एक्शन क्या होगा और कैसे पूछता है MMD, फर्स्ट डिग्री बर्न पे आप क्या एक्शन लोगे? यू ऑब्जर्व सेकेंड डिग्री बर्न, व्हाट एक्शन यू विल टेक? यू ऑब्जर्व थर्ड डिग्री बर्न, व्हाट एक्शन यू विल टेक? ठीक है, इसके लिए एकदम इजी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, वॉश बाय रनिंग कोल्ड और टैप वाटर फॉर 10 मिनट्स, अप्लाई पेट्रोलियम जेली और बार्नल सोफ्रीमाइसिन। ठीक है, कवर विथ स्टेराइल बैंडेज, इफ रिक्वायर्ड पेन किलर। ओके, ये फर्स्ट डिग्री बर्न का हो गया। सेकेंड डिग्री बर्न, वॉश विथ NS, दैट इज सॉल्ट वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, अप्लाई सेवलॉन और बीटाडाइन और इसका जो डाइल्यूट जो सॉल्यूशन बनाता है हम लोग। ठीक है, वेयर न्यू स्टेराइल हैंड ग्लोव्स एंड अप्लाई एंटीबायोटिक, दैट इज सोफ्रीमाइसिन, देन अप्लाई बैक्टीग्रा सीट और TT पेन किलर, ये एज रिक्वायर्ड है। ठीक है, अन ऑल्टरनेट डे बैंडेज, आज आप बैंडेज किए कल छोड़ दीजिए, परसों फिर बैंडेज चेंज करवाइए उसका। ओके, थर्ड डिग्री बर्न, डू नॉट वॉश, डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट, ये दोनों करना ही नहीं है, ये बहुत सिवियर और क्रिटिकल होता है, इसमें आपको बॉडी पार्ट्स भी दिखने लगेगा अंदर का, इतना बुरी तरह जल जाता है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं लगा सकते। ही पॉसिबल कवर वेरी लूजली विथ स्टेराइल नॉन स्टिकी बैंडेज, जो बैंडेज यूज करेंगे आप लोग वो बॉडी के साथ चिपक ना जाए ऐसा टाइप का होना चाहिए, और वेरी लूजली, क्योंकि जो अंदर का फ्लूइड बॉडी का है उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है, तो उसके साथ जितना कम हो सके उतना कम कॉन्टैक्ट करवाइए। एलिवेट बर्न एरिया अबव द हार्ट, ये बहुत मुश्किल होगा लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स तो आपको बोलना ही है कि जो पार्ट बर्न हो गया है उसको आपको बॉडी से एलिवेट करना है ताकि जो ब्लड रेट है वो अच्छा हो जाए। IV फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड, दैट इज टीटेनस इंजेक्शन एज रिक्वायर्ड। देन इफ वेरी सीवियर कंडीशन, ऑब्वियसली 30 डिग्री बर्न वेरी सीवियर कंडीशन, देन यू हैव टू गो फॉर RMA, रेडियो मेडिकल एडवाइस। ओके, देन आते हैं हम लोग ड्राउनिंग पे। ठीक है, बर्न खत्म, बर्न उतना तक ही था, अभी ड्राउनिंग। ड्राउनिंग में दो तरीके का सिचुएशन बोलता है, पर्सन ब्रीथिंग, एक MMD को देखा मैंने बोलते हुए, पर्सन नॉट ब्रीथिंग, मतलब जो पानी में गिर गया था उसको उठाया, बोला कि हेड इंजरी है, वो पर्सन ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, उसमें क्या एक्शन लोगे? और एक होता है नॉर्मल गिर गया उठा रहा है, पर्सन इज ओके एंड पर्सन इज ब्रीथिंग, देन आप क्या एक्शन लोगे? ठीक है, देखते हैं। प्लेस द पर्सन ऑन देयर बैक, चेक फॉर इंजरी, कॉल द पर्सन्स नेम होल्डिंग हिज शोल्डर एंड साउट हिज नेम। ये जो शॉक जो होता है पर्सन को पानी में गिर जाने से, उसमें उससे रिकवर करने के लिए आप उसका नाम बुलाओगे कंधा पकड़ के, तो आदमी मतलब भाई
लक वो आदमी रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि कोई उसका नाम पुकार रहा है जोर जोर से कंधा पकड़ के, तो मतलब ये मैक्सिमम चांसेस में देखा जाता है कि वो आदमी तुरंत उठ जाता है। ओके, इफ नो रेस्पॉन्ड चेक फॉर ब्रीदिंग, अगर रेस्पॉन्ड नहीं किया तो उसका ब्रीदिंग चेक कीजिए। इफ ब्रीदिंग मतलब सांस ले रहा है, प्लेस देम इन रिकवरी पोजिशन, वार्म अप क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स, मतलब उसको ब्लैंकेट और जितना हो जाए गर्म जो कपड़ा होता है, ब्लैंकेट होता है, वूलन जो आपका स्वेटर वेटर कुछ भी हो, उसको पहना के आराम से उसको बैठा दीजिए। ठीक है, अभी पर्सन नॉट ब्रीदिंग रिकवर्ड, लेकिन पर्सन ब्रीथ नहीं कर रहा। वन हैंड ऑन द फोरहेड एंड अनदर बिलो चिन टू ओपन एयर वे, ये आप अपना जो फोरहेड में एक हाथ रखिए और बिलो चिन मतलब आपका जो लिप्स का बॉटम पार्ट में रखिए, थोड़ा प्रेस करके देखिए मुंह खुल जाएगा, इसे कहते हैं एयर वे ओपन कैसे करता है। ठीक है, एंड वो अगर खुल गया तो आप उसका मुंह तक देख सकते हैं कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। ठीक है, देन चेक पल्स, उसका पल्स चेक कीजिए। स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ बाय स्लोली ब्लोइंग इन टू माउथ 5 times, ये तो आप मूवी में देख ही चुके होंगे कि लड़का गिर गया लड़की उसको बचा रहा है, या लड़की गिर गया लड़का बचा रहा है, जो माउथ टू माउथ होता है जिसका ड्यूरेशन होना चाहिए 1.5 to 2 seconds कैप। ओके, प्रिपेयर फॉर CPR, CPR आपको मतलब प्रिपेयर करना ही है, एक ना एक आदमी को तो आई जहाज पे आता ही होगा, तो उसको बोल दीजिए कि आप प्रिपेयर हो जाओ मेंटली कि आपको CPR करना है। ओके, ड्राउनिंग खत्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड इंजरी, ये बहुत मतलब बहुत सारा MMD पूछता है। एक्शन ऑन हेड इंजरी, हेड इंजरी हो गया, पर्सन गिर गया या फिर ओवरलॉक काम कर रहा था, ए बी बोसन वो गिर गया, हेड इंजरी होगा, वो ऐसा मतलब सिचुएशन दे देता है, कोई गिर गया, किसी के सर पे हैमर गिर गया, तो वो क्या एक्शन लोगे, पहले आपको बोलना चाहिए आप क्या नहीं करोगे। ठीक है, डू नॉट, देखिए डू नॉट वॉश हेड वुंड इफ डीप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग डीप है, आप उसका हेड वॉश नहीं करोगे। रिमूव एनी ऑब्जेक्ट मतलब डू नॉट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट, कोई सर पे अटक गया हो उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट कुछ भी, तो आप उसको तुरंत रिमूव नहीं करोगे, रिमूव कर दोगे जो एरिया है वो मतलब ओपन हो जाएगा और ब्लड फ्लो और बढ़ जाएगा उसका। मूव द पर्सन अननेसेसरीली मतलब आप वो जो पर्सन है उसको एक जगह पे जो एक प्लीजेंट जगह है उधर बैठा दोगे, ऐसा नहीं कि आप उसको पहले कैबिन में ले गए फिर बोले कि नहीं चलो शिप्स ऑफिस में, फिर चलो जहाज का हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं, परमानेंट एक जगह होगा, इधर हॉस्पिटल में बैठा हो या फिर उसका कैबिन में कोई मॉनिटर कर रहा है, ऐसा जगह पे बैठा दो। ठीक है, रिमूव हेलमेट इफ सीरियस इंजर्ड मतलब ये सब देखिए, डू नॉट, पहले मैं लिख दिया डू नॉट, अगर हेलमेट पहना होगा और उसका हेड इंजरी हो जाएगा किसी भी तरीके से, वो हेलमेट तुरंत आपको नहीं निकालना है। ठीक है, ओके, अभी क्या करेंगे, चेक ABC, प्रिपेयर फॉर CPR, ABC एयरवे ब्रीदिंग जो होता है, प्रिपेयर फॉर CPR, इफ ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट इज नॉर्मल बट द पर्सन इज अनकॉन्सियस दैट इज स्पाइनल इंजरी। ठीक है, ये स्पाइनल इंजरी इतना तक बोल दोगे बस, सर्वर नहीं पूछेगा आपको कि व्हाट इज स्पाइनल इंजरी, उसका ये बताओ, थ्योरी बताओ, ये बताओ, ये सब नहीं पूछेगा, बस ये पॉइंट याद रख दीजिए। स्टेबिलाइज द हेड बाय कीपिंग हैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड, इफ माइनर ब्लीडिंग स्टॉप दैट ब्लीडिंग बाय फार्मली प्रेसिंग विथ क्लीन क्लोथ, प्लेस वन अबव अनदर, मतलब एकदम छोटा सा ब्लीडिंग हो गया आपका सर पे, एकदम घाव एकदम माइनर है, आप एक क्लीन टावल रखोगे उसके ऊपर, वो टावल अगर भीग गया तो दूसरा टावल रख दोगे, ये पॉइंट वो बोलता है। इफ सस्पेक्ट स्कल फ्रैक्चर डू नॉट अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, कवर द वुंड विथ स्टेराइल गेज। ठीक है, इफ वॉमिटिंग टू प्रिवेंट चोकिंग रोल द पर्सन हेड नेक एंड बॉडी एज वन इन टू अदर साइड। ओके, मतलब चोकिंग वॉमिटिंग क्या होता है, उसका गले पे कुछ अटक जाता है जिससे वो पर्सन मतलब एकदम अनकंफर्टेबल फील करता है, इवन वो अगर चोकिंग, आप चोकिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, वो चोकिंग क्लियर करने का, ये आप बेसिक एक गूगल सर्च कर लीजिए व्हाट इज चोकिंग, मिल जाएगा आपको, चोकिंग तक उसको नहीं पहुंचाना है हम लोगों को। ठीक है, एकदम नॉर्मल कंडीशन पे रखना है विथ हेड इंजरी एंड ब्लीडिंग लेस। अप्लाई आइस पैक ऑन द स्वेलन एरिया, अगर उसका हेड इंजरी है लेकिन कोई खून नहीं निकल रहा है या फिर उसका जो जगह सूज गया है उस जगह पे हम लोगों को आइस पैक लगाना है, आइस पैक तो जहाज पे रहता ही है मालूम है। फॉर फर्दर असिस्टेंस कॉल RMA। ओके, हेड इंजरी का चैप्टर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक हम लोग, मैंने ही लास्ट टाइम एक न्यूज़ पे देखा था, एक इंजीनियर जो इंजीन डिपार्टमेंट में काम करने टाइम ही हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक से उसका डेथ हो गया था, एक कुछ महीना पहले का ही है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, लेट द पर्सन सीट डाउन इन सुइटेबल प्लेस। सेम इंजन रूम में आप नहीं बैठा सकते, बहुत सारा आवाज़ होगा, उधर से आप हटा के आइदर, अगर आपको टाइम नहीं है ECR में बैठा हो, ECR में कम आवाज़ रहता है एज सपोज टू इंजन रूम जो अब आउटसाइड ऑफ इंजन रूम, या फिर उसको तुरंत कोई सुइटेबल पोजीशन पे लाओ जहाँ पर वो आदमी फील करे कि हाँ यार जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो अच्छा है। हॉस्पिटल इसीलिए इतना अच्छा क्लीन एकदम सुइटेबल रखता है, ठीक है। कीप काम, उसके तरफ साइड से ज़्यादा मत चिल्लाओ कि अरे क्या हो गया क्या नहीं हुआ, वो सब बाद में, पहले उस आदमी को उठने दो आराम से। लूजन टाइट क्लोथिंग, च्यू एस्पिरिन और टेक नाइट्रोग्लिसरीन इफ प्रेस्क्राइब्ड। ये दो चीज़ उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर अब RMA को कॉल किए होंगे, कुछ भी RMA, इधर मैं पॉइंट दिया, वो बोला कि उसका क्या हिस्ट्री था, उसको कुछ बाद में भी कुछ सिम्टम था या माइल्ड हार्ट स्ट्रोक जो हार्ट अटैक हो गया या नहीं। च्यू एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन ये उस हिसाब से हम लोग देते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली मास्टर्स एडवाइस, बिना मास्टर्स एडवाइस आप उसको एस्पिरिन या नाइट्रोग्लिसरीन मत दो और बोलो भी मत, मतलब जो सर्वेयर पूछेगा आपको। ये दो पॉइंट याद रख दिया, एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ईजी है याद रखने में, बस बोल देना कि विथ मास्टर्स एडवाइस आई विल प्रिस्क्राइब एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन इफ देयर इज अ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, ओके। प्रिपेयर फॉर CPR, हाँ हार्ट अटैक में तो CPR, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ट अटैक में CPR एकदम, मतलब एकदम बाई प्रोसेस ही होना चाहिए, तुरंत एकदम रेडी होना चाहिए। और RMA तो आप ले ही सकते हैं कि आप खुद से नहीं, आप डाउट है आपको, ये प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर सकते, ये जानते नहीं है, तो आप RMA की तरफ पढ़िए, ओके। एक्शन ऑन हार्ट अटैक खत्म, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक्शन और उंड्स, ये एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आइदर वो आपको उंड्स पूछेगा या फिर आपको पूछेगा फ्रैक्चर, मैं दोनों ही डिस्कस कर दूंगा। उंड्स या फ्रैक्चर पूछता ही है, ठीक है, उसके साथ कोई एक पूछता है, आइदर RMA पूछता है या फिर कैसे आप CPR दोगे, उसके साथ ये उंड्स, फ्रैक्चर, ब्रेन इंजरी, ड्राउनिंग, ये सब रहता है, ठीक है। उंड्स देखिए पहले, बाद में मैं फ्रैक्चर बोलता हूँ। रिंस द काट उंड विथ वाटर एंड अप्लाई प्रेशर विथ स्टेराइल गेज, बैंडेज और क्लीन क्लोथ, ठीक है, एकदम इजी पॉइंट है। इफ ब्लड सोक्स द बैंडेज देन अप्लाई वन मोर ऑन द टॉप, ब्लड पूरा गीला कर दिया जो बैंडेज आप लगाए हैं उसके ऊपर और एक लगाइए, वो पहला वाला बैंडेज मत रिमूव कीजिए जगह से, ओके। एलिवेट द बॉडी पार्ट टू स्लो डाउन द ब्लीडिंग, जो बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा ऊपर रखिए, जो आपका जो मतलब लेइंग पोजीशन है पर्सन का, जो हिसाब से वो सोया हुआ है उसके साथ थोड़ा एलिवेट कीजिए ताकि उसका जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ जो ये होता है ब्लड का वो अच्छा हो। इफ ब्लीडिंग स्टॉप्स देन कवर इट विथ न्यू बैंडेज एंड कॉल RMA। ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, उसको न्यू बैंडेज लगाइए, मतलब सूखा बैंडेज जो मतलब फंगल इन्फेक्शन या कुछ प्रिवेंट करने के लिए उसको हिसाब से लगा दीजिए न्यू बैंडेज, और RMA के तरफ बढ़िए। RMA मतलब आपको जानना है कि फर्दर कुछ एक्शन लेंगे या फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, अभी मैं क्या करूँ ऐसा, ओके। अभी जो सवाल है वो बोलता है, एक मिनट, वो बोलता है बॉडी पार्ट्स रिमूव्ड, आपका उंगली सेपरेट हो गया, ये तो कॉमन चीज़ है, मैसिनरी स्पेस में कुछ भी हो सकता है, आपका हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, या फिर आप जब मूरिंग स्टेशन पे हो आपका उंगली, बहुत 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 सारा है, आप पर्सनली भी फील किए होंगे कि ये तो कॉमन, मतलब मरीन का एक हैजर्ड होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, पुट द बॉडी पार्ट इन अ सील्ड बैग और कंटेनर विथ आइस वाटर, मास्टर्स एडवाइस, कॉल RMA। देखिए ये चीज़ आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी दूसरे पे बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। आपका बॉडी पार्ट रिमूव हो गया, आपके साथ एक AB है या फिर कोई स्ट्रेनी सीमेन है, उसको कैसे मालूम चलेगा कि आपका बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा, वो इधर उसको छोड़ देगा या ये कर देगा। आपको उसको बताना है कि मेरा बॉडी पार्ट्स को संभाल के रखो, उसे आइस कंटेनर पे डालो, मास्टर्स एडवाइस लो तुरंत आप और RMA की तरफ चलो, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा मैं बोला था, एक उंड्स रहता है, एक फ्रैक्चर रहता है, दोनों का अलग अलग जो सुनने में सेम होता है उंड्स और फ्रैक्चर, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रोसीडियर्स है, वो मैं बोलता हूँ, ठीक है। ले द पर्सन एंड एलिवेट द फ्रैक्चर्ड पार्ट्स, ठीक है, ये एलिवेट वाला याद रखिए, ऑलमोस्ट सभी में बोलना है कि बॉडी पार्ट्स को आप थोड़ा एलिवेट रखोगे, आपका ब्लड जो प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए अच्छे से।
ये तीन पॉइंट ठीक है, ये देखिए अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन, बैंडेज टावल, ये तीन मैं एकदम सेपरेट करके रखा था। आपको ब्लड हो, ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग रुकना है, तीनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब कोई भी एक कुछ भी लगा दिया आप, डायरेक्ट प्रेशर अगर ब्लीडिंग कम होगा या फिर फ्रैक्चर से आपका ब्लीडिंग हो रहा है, डायरेक्ट प्रेशर लगा के आप कम कर सकते हैं। एलिवेशन तो आप अभी मैंने बोला, बैंडेज और टावल, जो क्लीन बैंडेज और क्लीन टावल है, ये तीन पॉइंट ना आप ऐसा है मतलब यूनिवर्सल है, आप याद रखो। कोई भी क्वेश्चन पूछा आपको याद नहीं है, ये तीन दे के शुरू कर दो, तो उसको लगेगा कि हाँ यार इसको मालूम है, मतलब ये थोड़ा बहुत एमए पढ़ के आया है। ठीक है, इमोबिलाइज द इंजर्ड एरिया, डू नॉट ट्राई टू रीअलाइन द बॉडी पार्ट्स अनलेस देयर इज एन एक्सपर्ट। सपोज एक एबी का हाथ टूट गया है, उसका बोन पूरा फ्रैक्चर होकर आपको दिख रहा है कि हाथ टेढ़ा हो गया, आप क्या करोगे उस टाइम पे? आपका एक्सपर्ट अगर नहीं होगा, वो पार्ट रीअलाइन करने मत जाइए कि ऐसा टेढ़ा कर दिया मूवी में देखा तो फिर ठीक हो गया, ऐसा वो मत करिए। अगर कोई एक्सपर्ट होगा जो आपका फिजियोथेरेपी वेरेपी का एक्सपर्ट है, ऐसा रहता है बहुत सारा आदमी पास्ट हिस्ट्री छोड़ के फिर मेडिकल इसमें आता है मर्चेंट नेवी में, वो लोगों को मालूम रहता है कि इससे क्या करना चाहिए, वो छोड़ के किसी को भी परमिशन मत दीजिए वो पार्ट को रीअलाइन करने का। ठीक है, अप्लाई आइस पैक टू लिमिट स्वेलिंग, रैप द आइस इन अ टॉवल और पीस ऑफ क्लोथ, मतलब आइस पैक लगाइए बेसिक। ट्रीटमेंट फॉर शॉक, शॉक पोजीशन में चला जाता है फ्रैक्चर होने से, ठीक है वो आपको मतलब रुकना है बस। ट्रीटमेंट फॉर शॉक मतलब आप उसको रिकवरी में रख दीजिए या फिर ब्लिजेंट इसमें रखिए, उसको मॉरल सपोर्ट दीजिए बस। इफ द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव बी रेडी फॉर सीपीआर एंड कॉल आरएमए, ठीक है फ्रैक्चर खत्म, इतना ईजी है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है उनसे, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है ओके, आज के लिए यही सारा क्वेश्चन रहने दीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा मैं दो दो पार्ट में बना रहा हूँ, बाकी भी ऐसा ही रहेगा और चार पांच क्वेश्चन ही रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एमएफए के साइड पे तुरंत ही बना दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी कंप्लीट करना होगा तो मैं तुरंत ही वो बाकी सब कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, इतना ही, थैंक यू।